नमस्कार दोस्तों, एक ऐसा ग्रह जहां पर जीवन पनप रहा है और फल और फूल भी रहा है। यदि हम उस ग्रह को अंतरिक्ष से देखें, वह ग्रह हमको किस प्रकार से दिखाई देगा और उस ग्रह में सर्दी गर्मी ऋतु का बदलना दिन और रात का होना और उस ग्रह का निर्माण कैसे हुआ, फिर उस ग्रह पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। उस ग्रह का नाम है पृथ्वी। चलो चलो आज की वीडियो में इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। हमारी पृथ्वी सौर मंडल में पांचवें स्थान पर आती है और सूर्य के निकट दूरी में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। जो इस ग्रह का द्रव्यमान और आकार है वो इसको तीसरे नंबर पर लाती है। इससे पहले जो सूर्य के निकटतम दो अन्य दो ग्रह हैं वो है मरकरी और वीनस, यानी बुध और शुक्र आते हैं। एक अच्छी बात यह है, जो सूर्य के नजदीक के ग्रह हैं उनमें से पृथ्वी पर ही जीवन फल और फूल रहा है, जिसको हम अंग्रेजी में अर्थ कहते हैं यानी खगोल विज्ञान, जबकि अंतरराष्ट्रीय भाषा में हमको जमीन और पृथ्वी के नाम से भी संबोधन करते हैं। और यह शब्द जर्मनिक शब्द से लिया गया है। जिस प्रकार हम ब्रह्मांड में अन्य ग्रहों को देखते हैं, उसी प्रकार से हमारी यह पृथ्वी भी अवलोकन ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। जैसा कि आधुनिक समय में हम ब्रह्मांड को देखने के लिए हर प्रकार से प्रयास कर रहे हैं, चाहे दूरबीन हो या फिर स्पेस मिशन, फिर प्रौद्योगिकी की सहायता से ही हम ब्रह्मांड को जानने का प्रयास करते आ रहे हैं। लेकिन ब्रह्मांड इतना बड़ा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। पहले हम पृथ्वी के संरचना के बारे में जो पढ़ते थे उनमें कहीं अटकलें लगाई जाती थी। कोई कहता था कि पृथ्वी ग्लोब है और कुछ लोगों का मानना था पृथ्वी सपाट है। लेकिन अब जो हमें अंतरिक्ष के मिशनों को भेजने के बाद जो हमको फोटोग्राफी के माध्यम से प्रमाणित हुआ वह है पृथ्वी एक मोटे तौर पर गोलाकार ग्रह है। यदि आजकल चांद पर जाने की बातें हो रही हैं, थोड़ा हम चांद से अपनी धरती का नजारा भी देख लेते हैं। जब हम अपनी कॉलोनी चांद पर बसाएंगे, वहां से जब हम अपनी धरती का दीदार करेंगे तो हमको धरती नीले रंग की दिखाई देगी और हमारी पृथ्वी के चारों ओर बादलों की एक मोटी परत दिखाई देगी और ऊंचे हिमालय की बर्फ जो एक सफेद चमक हमको प्रदान करेगी। और जब हमारे नजरों के सामने से बादलों की परत छटेगी, उसके नीचे हमको गहरे नीले और काले महासागर दिखाई पड़ेंगे और जो हमारी रेगिस्तानी भूमि है वो पीले पीले रंग में दिखाई पड़ेगी। लेकिन हम अपनी पृथ्वी के पेड़ पौधों को आसानी से नहीं देख पाएंगे और जब पृथ्वी पर ऋतुएं बदलेंगी उस दौरान हम अपनी पृथ्वी के तूफान के पैटर्न और बादलों के बेल्टों में बदलाव देखने का नजारा भी ले पाएंगे। और जिसमें शामिल है ठंडे के मौसम में बर्फ का कम या ज्यादा गिरना, इसका भी लुत्फ हम उठा पाएंगे। ये तो था जब हम चांद पर थे। अब आ जाते हैं पृथ्वी पर। पृथ्वी पर जो सागर हैं, जिनको हमने अपने भौगोलिक स्थिति के अनुसार उनको नाम दिया है, इन सागरों को हमने सात महाद्वीपों में बांटा है, अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। ये महाद्वीप पांच प्रमुख जल निकायों से घिरे हुए हैं। अब आते हैं हम यह गोलाकार पृथ्वी किन किन चीजों से भरी है। सबसे पहले आता है जिसको आप सबसे निचला क्रम भी बोल सकते हो, उसमें आता है कोर, मेंटल और क्रस्ट, जिसमें सब कुछ शामिल है जैसे चट्टानें और उनकी सतह और पृथ्वी के अंदर जो भी खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, यह सब कुछ इसी में शामिल है। अब आते हैं क्रस्ट में। जो इन क्रस्ट की खाली जगह को भरते हैं वो है पानी, जिसमें हमारे बड़े बड़े महासागर शामिल हैं। उसके बाद आता है एक और महत्वपूर्ण मंडल जिसका नाम है वायुमंडल। यह वायुमंडल हमारे चारों तरफ फैला हुआ है, जिसका महत्व आप भली भांति जानते हो। जहाँ पर हम सांस लेते हैं और एक मौसम होता है, उसे हम सौर मंडल कहते हैं। और अब हम थोड़ी ऊंचाई की तरफ चले जाते हैं यानी आकाश की तरफ। इस सौर मंडल के बाद आता है समताप मंडल। यह वह जगह होती है जहाँ पर ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत का मतलब होता है जहां पर से हमारी यानी पृथ्वी में जीवों और पेड़ पौधे अन्य सभी प्रकार के प्राणी को सूर्य के पराबैंगनी किरणों से बचाती है। यानी आप इसको इस तरह से समझने का प्रयास भी कर सकते हो कि यह ओजोन परत हमारा सुरक्षा कवच है। यदि यह ओजोन परत न हो, धरती पर जीवन झुलस जाएगा, कई प्रकार के बीमारियों से प्राणी परेशान हो सकते हैं। और ये जो किरणें आती है वो 14 करोड़ 96 लाख दूरी से आती है, यानी
पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, क्योंकि हमारे सौर मंडल में शुक्र और नेपच्यून को छोड़कर बाकी ये सारे ग्रह एक दिशा में गोलाई के रूप में घूमते हैं, और पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है 365.25 दिनों का समय लगता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया 365 के बाद जो हम 0.25 वाला समय होता है, इसका हम क्या करते हैं? इसको हम हर 4 साल बाद काउंट करते हैं, जिसको हम लीप वर्ष कहते हैं, जिसमें फरवरी का महीना 29 का होता है और साल में 366 दिन होते हैं। और पृथ्वी जो अपनी धुरी पर घूमती है उसको अपना एक चक्कर पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लगता है। इसी घूर्णन की वजह से हमको दिन और रात देखने को मिलते हैं, यानी पृथ्वी का वह भाग जो सूर्य की तरफ होता है वहां पर दिन होता है, और जो भाग सूर्य के सामने नहीं होता है वहां पर रातें होती हैं। आपने देखा और सुना भी होगा, यूरोप कंट्री में यदि दिन होता है तो एशियाई कंट्री में रातें होती हैं। यही कारण है दिन और रात का होने का। और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.44 डिग्री झुकी हुई है। इस झुकाव के कारण ही हमको गर्मी और लंबे दिन देखने को मिलते हैं, जिसमें ऋतु का बदलना भी शामिल है। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, जिसकी दूरी 384,400 किलोमीटर है, और यह पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा को अपनी धुरी पर घुमाता है, और इसी कारण से चंद्रमा के ठोस वाले भाग में ज्वार भी उत्पन्न होते हैं, और यह ज्वार एक गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं जिसका प्रभाव आपको समुद्र में 2 बार देखने को मिलता है, जिसको हम ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा का मतलब होता है जब समुद्र का पानी चढ़ता है उसे हम ज्वार कहते हैं, और जब उतरता है उसे भाटा कहते हैं। आप आसान भाषा में समझने का प्रयास करें, जब समुद्र का पानी किनारों तक भर जाता है उस स्थिति को ज्वार कहते हैं, और फिर जब वह पानी अपनी स्थिति में वापस चले जाता है उसको भाटा कहते हैं। समुद्र में यह कार्रवाई दिन में 2 बार होती है। और ये तो था चंद्रमा द्वारा उठाए गए ज्वार। और इसके बाद सूर्य, जो कि पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूरी पर होने के बावजूद भी सूर्य के द्वारा बहुत बड़े ज्वार उठाए जाते हैं। अब चलते हैं पानी से हवा की तरफ। जिस प्रकार पानी जीवन के लिए अनिवार्य है, ठीक उसी प्रकार हवा भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। पृथ्वी के पतले वायुमंडल को हम हवा कहते हैं, और इस हवा में बहुत मात्रा में गैसें मिली होती हैं, जिसमें आणविक नाइट्रोजन की मात्रा 78%, ऑक्सीजन की मात्रा 21%, और इसके अलावा आर्गन 1% और जल वाष्प 1%। बढ़ते प्रदूषणों के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और मीथेन गैस भी इसमें शामिल है। और भी कहीं ठोस और तरल के रूप में गैसें शामिल है, जैसा कि सूर्य और बृहस्पति, ये दोनों ग्रह हाइड्रोजन और हीलियम से बने हुए हैं, और हमारी पृथ्वी पर इन गैसों का अभाव है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के निकट होने के कारण ये गैसें अंतर्ग्रही अंतरिक्ष में वाष्पित हो गई। अब आती है बारी समताप मंडल की। यह समताप मंडल ठीक सौर मंडल के ऊपर है। जब हम सौर मंडल से ऊपर की तरफ लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल की तरफ बढ़ते हैं, तब वहां पर सब कुछ गतिविधियां कमजोर पड़ने लगती हैं, और सूर्य की गर्मी का भी तापमान बढ़ने लगता है, और सूर्य की किरणें ऑक्सीजन को भी खत्म करने लगती हैं। और फिर आता है 80 से 90 किलोमीटर की दूरी पर। यहां पर तापमान बहुत ही गिर जाता है और मौसम बहुत ही जल्दी बदल जाता है, जिसे हम थर्मोस्फीयर कहते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसको आयन मंडल कहते हैं। अब आ जाते हैं पृथ्वी पर। जैसा कि पृथ्वी पर जो भी वायुमंडलीय परिसंचरण होता है वह सूर्य के प्रकाश के कारण ही होता है। यदि हमारे धरती पर ये बड़े बड़े महासागर न होते तो हमें मौसम में गर्मी और ठंडे का आभास कभी भी नहीं हो पाता, क्योंकि जहाँ पर मौसम गर्म होता वहाँ हमेशा गर्म ही रहता, और जहाँ पर मौसम ठंडा होता वहाँ पर हमेशा ठंडा ही रहता। की बदौलत हमको ठंडे और गर्म मौसम देखने को मिलते हैं। आज के समय हम सोचते हैं पर्यावरण की वजह से हमको वायुमंडल मिलती है, लेकिन जब पृथ्वी का जन्म हुआ था उसके आधे समय तक तो कुछ भी नहीं था, और जो कुछ था धरती पर वह था साइनोबैक्टीरिया, जो समुद्र के पानी में हरे शैवाल और नीले शैवाल थे, जो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन ग्रहण करते थे। इन्हीं शैवालों ने धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा को विकसित किया था। इन्हीं
छायावलय से ही धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा विकसित हुई थी और उसके बाद ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों ने जटिल कोशिकाओं को जन्म दिया और वे कोशिकाएं ऑक्सीजन को ग्रहण करने लगी। फिर पौधे और जानवरों का जन्म हुआ। पृथ्वी में हर जगह ऋतुएं बदलती हैं और मौसम में भी बदलाव देखने को मिलता है। हर जगह की आबोहवा अलग अलग होती है। क्या आपको पता है जो ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं उनसे निकलने वाले धूलों के कण हमारे समता मंडल को कितना प्रभावित करती हैं? इन ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले जो धूल के कण होते हैं वो हमारे समता मंडल को धूलों के कणों से भर देते हैं और यह धूलों के कण हमारे समता मंडल में कई सैकड़ों वर्षों तक विद्यमान रहते हैं। फिर ये धूल के कण सूर्य की रोशनी को प्रभावित करती हैं और दुनिया भर में ठंडे जैसे हालात को पैदा कर देती हैं। जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं, डायनासोर काल में जितने प्राणी एस्ट्रोट के गिरने से नहीं मरे थे उससे कहीं अधिक प्राणी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंचने से मरे थे। ये धूल के कण प्रकाश की गति में बाधा उत्पन्न कर देते हैं जिसके कारण धरती का जीवन खतरे में पड़ जाता है। जो आज के समय हम सूरज को देखते हैं वह बहुत चमकीला है, लेकिन जब पृथ्वी का इतिहास उठाकर देखते हैं उस समय सूर्य आज की तुलना में 30% कम चमकीला था। उस समय धरती पर ज्यादा मात्रा में वायुमंडल में बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस से प्रभावित थी और इनकी ज्यादा मात्रा में होने की वजह से धरती का तापमान बढ़ता गया और जो भी बर्फ के रूप में पानी था वह अब तरल पदार्थ बनकर सागरों का निर्माण होता गया। यदि आज हम धरती की पपड़ी में देखते हैं तो वायुमंडल से भी कहीं अधिक चट्टानों के नीचे हमें कार्बन डाइऑक्साइड दबी मिलती है। वह धरती की तुलना में 1,00,000 गुना अधिक है, लेकिन इस कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोनेट में बदलने का जो कार्य किया वो था समुद्री जीवन। आने वाले भविष्य में सूर्य की चमक 10-20% अधिक हो सकती है। जैसे जैसे धरती पर कोयला, तेल और प्राकृतिक गैसों के जलने से और वह वन जो वर्षा करने के लिए सहायक होते हैं जैसे ही उनमें कमी आएगी, इसका असर सबसे पहले सागरों के जल स्तर को प्रभावित करेगा और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को 15% तक बढ़ा देगा और पृथ्वी पर एक ऐसी हालात पैदा कर देगा जैसे ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव सबसे पहले समुद्र के ऊपर ही देखने को मिलता है। कुछ समय पहले 1980 के दशक के मध्य में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत के ऊपर एक छेद हो गया था। यह सब मानव करनी की वजह से होता है, जो हम आए दिन परीक्षण के नाम से क्लोरोफ्लोरोकार्बन को जन्म देते हैं। अब आपको लग रहा होगा ओजोन परत में छेद हो गया तो क्या फर्क पड़ता है। यदि ओजोन परत यदि फट गई तो लघु तरंग दैव्य पराबैंगनी किरणों से त्वचा कैंसर का कारण बनती है। जैसा कि पृथ्वी मिट्टी चट्टानों भूमि जल और वायुमंडलीय जलवाष्प से भरी है, पानी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस धरती पर 51,66,000 वर्ग किलोमीटर में महासागरों के खारे पानी से भरा हुआ है, जो पृथ्वी का 71% भाग है और अनंत खारे पानी से भरी हुई है, जो हमारे ग्रह में पानी का 97% है। बाकी बचा हुआ पानी भूमि के अंदर और 1% से भी कम जो झीलों और नदियों में होता है, और बचा हुआ पानी जो 3/4 भाग ध्रुवीय अक्षांशों पर बर्फ के रूप में जमा होता है जिसको हम पीने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और जो महासागरों से वायुमंडल के माध्यम से महाद्वीपों और हमारी भूमि में जल स्थानांतरण भी इसमें शामिल है, जैसे वर्षा, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन इत्यादि चीजें इसमें शामिल हैं। यह सब कार्रवाई हमारी पृथ्वी पर पहुंचने वाले सौर ऊर्जा के कारण होता है। इसमें से सौर ऊर्जा का 1/3 हिस्सा पानी को वाष्पित करने में लग जाता है, जिसके फलस्वरूप हमको नमी और आर्द्रता, बादल, बारिश, बर्फ और ओस जैसे सब कुछ देखने को मिलते हैं, और ये चीजें हमारे वातावरण को साफ बनाए रखती हैं। हमारे पृथ्वी की बाहरी जो परत है वह एक कठोर चट्टानी परत से बनी हुई है जिसको हम भूपट्टी कहते हैं, और इस चट्टानों का घनत्व कम है जो आसानी से पिघल सकता है, और जो महाद्वीपीय परत है वह ग्रेनाइट चट्टान की बनी हुई है, और जो समुद्री परत है उनका आकार बेसाल्ट और ग्रेबो से बनी है।
यह जो पर्वत है वह लगभग 50 किलोमीटर के क्षेत्रों महाद्वीपों में फैली है और समुद्र वाले भाग में कहीं पर 5 से लेकर 10 किलोमीटर तक ये परतें फैली हुई हैं। और पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी वाली सतह है वो मेंटल और क्रस्ट से मिलकर बनी है, जो एक कठोर परत के रूप में बनी है जिसको हम सबसे ऊपरी परत कहते हैं। यह धरती बहुत सारे कठोर ब्लॉकों और प्लेटों में टूटी हुई है और यह प्लेटें दो प्रकार की होती हैं, पहला है महासागरी और दूसरा है महाद्वीपी, जो भूमि के अंदर फैली हुई हैं और यह भूमि की संरचना होती है। यह सैकड़ों किलोमीटर तक अलग अलग टुकड़ों में होती हैं। जैसा कि आप धरती पर भूकंप को आते देखते हो, वह सक्रिय टेक्टोनिक प्लेटों के विपरीत दिशाओं में एक दूसरे के समांतर जब खिसकती हैं, इस स्थिति में आपको पृथ्वी पर भूकंप देखने को मिलते हैं। और ज्वालामुखी वाले क्षेत्रों में इन टेक्टोनिक प्रक्रियाओं में समुद्र की परत गर्म मेंटल में उतर जाती है, फिर वह धरती के नीचे से बाहर आकर ज्वालामुखी जैसे लावा को जन्म देती है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में लगभग 90% से भी ज्यादा लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और मैग्नीशियम के भंडार पाए जाते हैं। ये सभी खनिज मिलकर क्रिस्टल खनिजों का निर्माण करते हैं, जिसको हम सिलिकेट कहते हैं। और पृथ्वी के कोर में लोहा पाया जाता है। यदि आपको धरती के 5 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के अंदर के क्षेत्रों का अध्ययन करने का मौका मिलता है तो आपको वहां पर अलग अलग क्रिस्टल चट्टानों के चरण मिलेंगे और फिर आप 650 से 2900 किलोमीटर की गहराई में जाते हो, वहां पर आपको मैग्नीशियम और लोहे से बनी सिलिकेट नजर आएंगे। और फिर आपको 3500 किलोमीटर की दूरी पर, जिसमें आपको अधिकांश निकल के साथ मिला हुआ मिश्रित तरल लोहा और कुछ हल्के मात्रा में जैसे सल्फर, ऑक्सीजन और यहाँ तक कि आपको हाइड्रोजन देखने को भी मिलेगी। और फिर जब आप 5100 किलोमीटर की दूरी पर, यहाँ पर आपको ठोस लोहा देखने को मिलेगा। इसी को कहते हैं पृथ्वी का कोर। लेकिन जो इस कोर का तापमान होता है वह बहुत ही गर्म होता है। इस कोर का बाहरी तापमान लगभग 3600 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4700 डिग्री सेल्सियस तक होता है और आंतरिक भाग में 4700 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6700 डिग्री सेल्सियस तक होता है, यानी सूर्य की सतह के बराबर गर्मी रहती है। धरती का कोर एक बहुत ही गर्म कोर है और जो इसके कोर के बाहरी हिस्सों में जो विद्युत प्रवाहित तरल है उनके कारण द्रव गतिविधियों में विद्युत चुंबकीय डायनेमो देखने को मिलता है, यानी हमारी पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र को जन्म देती है। जैसा कि वर्षों से यह कयास लगाए जा रहे हैं, आखिर पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ। जैसे ही हम ग्रहों के बनने की बात करते हैं, उसके संबंध में प्रारंभ बिंदु निक्लोसेंथेसिस का नाम आता है। निक्लोसेंथेसिस का मतलब होता है हमारे ब्रह्मांड के अंदर किन किन रासायनिक तत्वों का निर्माण हुआ, यानी परमाणु प्रक्रिया में किन किन रासायनिक तत्वों का जन्म हुआ। जब 13.8 अरब साल पहले जब ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ था, उस समय ब्रह्मांड में सबसे हल्के तत्व का जन्म हुआ था, जिसमें ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम थी। इस प्रक्रिया को हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। फिर तारे, ग्रह और सूर्य का निर्माण हुआ, यानी कच्चा माल तैयार हो चुका था। फिर उसके बाद जो भी ग्रह सूर्य से दूर थे वो धीरे धीरे ठंडे होते गए और उल्कापिंड का निर्माण होता गया। और जो विस्फोट के बाद जो सबसे पुरानी उल्कापिंड पाई गई है वो लगभग 4.56 अरब साल ही पुरानी है, जबकि विस्फोट 13.8 साल पहले हो चुका था, यानी इन उल्कापिंडों को बनने में अरबों साल का समय लग गया था। आइसोटोप अध्ययनों से पता लगता है उसके लाखों वर्ष बाद पृथ्वी का जन्म हुआ था। पृथ्वी उल्कापिंड सामग्री से बनी हुई है, उन पिंडों के आपस में जुड़ने से पृथ्वी का निर्माण हुआ। जैसे जैसे गैसें ठंडी होती गई, धूल और कण गुरुत्वाकर्षण के कारण एकत्र होकर चट्टान के बड़े बड़े टुकड़े बनते गए। उन्हीं टुकड़ों में से मंगल और चंद्रमा भी है। जैसे जैसे टुकड़े आपस में जुड़ते गए और इनका गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ता गया और गुरुत्वाकर्षण के कारण इनकी दूरियां बढ़ती गई। जब धरती का जन्म हुआ था उस समय उल्का पिंडों की टकराव की वजह से, जबरदस्त टकराव के कारण धरती आग उगल रही थी और इसका तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस का तापमान था। और जो इसका सबसे गर्म वाला भाग था वह था धरती का कोर और सारे पिंड आकर इसमें मिल रहे थे। फिर जब धरती का कोर बना, उसके बाद उनसे निकलने वाली वाष्पशील पदार्थों से धरती के ऊपर रासायनिक क्रिया शुरू हुई, जिसको आज हम वातावरण कहते हैं। फिर उसके बाद पृथ्वी के सबसे अंदर वाले भाग में, यानी मेंटल और कोर के बीच रासायनिक प्रक्रियाएं शुरू हुई, जिसके फलस्वरूप धरती से पानी भी निकलने लगा
और यह 4.3 अरब साल पहले हुआ था। माना जाता है पृथ्वी आज भी कई परतों और क्षेत्रों में बटी हुई है, जिसको हम टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।